चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है। चुनाव का माहौल अधिकृत रूप से प्रारंभ हुआ है। 7 चरणों में होने जा रहे चुनाव मतदान की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी पोलिंग बूथों पर VVPAT लगेंगी और सभी मतदाताओं को मतदान के बाद पर्ची मुहैया कराई जाएगी। 11, 18, 23 तथा 29 अप्रैल एवं 6, 12 और 19 मई को मतदान होगा। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में ही मतदान होगा। सभी चरणों की वोटिंग की गिनती एक साथ 23 मई को होगी। इस बार के चुनाव में 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे और इसमें नौकरीपेशा वोटर 1.60 करोड़ होंगे। 1.5 करोड़ वोटर 18 से 19 साल के आयु वर्ग के होंगे। इसके साथ ही आयोग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है। यहां लोकसभा की वोटिंग के साथ विधानसभा के लिए भी मतदान कराया जाएगा। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाले बिहार और 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। अगर जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े देखते हैं तो देश की 69% आबादी गाँव में रहती है और 31% आबादी शहरों में रहती है। महिलाओं की उनकी कुल आबादी के करीब 57% महिलाएं वोटर हैं। इसमें से 50% महिलाएं 20 से 60 उम्र के बीच हैं। लगभग इसी प्रकार के आंकड़े पुरुष मतदाताओं के हैं। पुरुषों में से करीब 56% व्यक्ति 20 से 80 की उम्र के हैं। इसमें से 20 से 60 के उम्र वाले करीब 50% है। जिनको चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े रहना है उनके लिए पैन कार्ड अवश्य है। बिना पैन कार्ड के वे चुनाव नहीं लड़ सकते। कैंडिडेट को फॉर्म में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी जानकारी देनी होगी। सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और शिक्षा का ब्यौरा देने के लिए फॉर्म 26 भरना होगा। अपनी पिछली 5 वर्षों की संपत्ति का IT रिटर्न ब्यौरा देना होगा। इसमें कुटुंब के सदस्यों का भी ब्यौरा होगा। वोटिंग के दिन 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड होगा, अर्थात इस समय प्रचार नहीं होगा। रात 10 के बाद और सुबह 6 के पहले लाउड स्पीकर बंद होंगे। एक कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार में 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। केवल गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में यह 54 लाख है। उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड कम से कम 3 बार अखबार और टीवी पर विज्ञापित करना अनिवार्य होगा। पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी देना अनिवार्य होगा। आचार संहिता के उल्लंघन पर लोग सी विजिल ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की घटना का वीडियो या फोटो सी विजिल ऐप पर अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकता है। इस पर संबंधित अथॉरिटी को 100 घंटे में कार्रवाई का स्टेटस बताना होगा। सत्ता के 7 चरण। पहला चरण 11 अप्रैल 20 राज्यों की 91 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरा चरण 18 अप्रैल 23 राज्य की 97 सीट पर चुनाव होगा। तीसरा चरण 23 अप्रैल 14 राज्य की 115 सीट पर चुनाव होगा। चौथा चरण 29 अप्रैल 9 राज्य की 71 सीटों के लिए चुनाव होगा। पांचवा चरण 6 मई 7 राज्य की 51 सीटों के लिए चुनाव होगा। छठा चरण 12 मई को 7 राज्य की 59 सीटों पर चुनाव होगा और सातवां और सबसे आखिरी चरण 19 मई 8 राज्यों की 59 सीटों के लिए चुनाव होगा। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव 9 चरणों में हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार पहली बार सभी EVM के साथ VVPAT भी इस्तेमाल होगी। MNT न्यूज नेटवर्क के वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को देखने के बाद लाइक अवश्य करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट लिखें और शेयर जरूर करें।